सुहाना खान, द डॉटर ऑफ शाहरुख खान, वो कंप्लेन कर रही हैं। बेसिकली कंप्लेन नहीं, वो अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि उनको ग्रोन अप एडल्ट्स ने एक नहीं कई बार ये रियलाइज कराया कि वो खूबसूरत नहीं है जस्ट बिकॉज उनका जो स्किन का कलर है वो डार्कर साइड पर है। नाउ इमेजिन इंडिया में अगर शाहरुख खान द सुपर स्टार, उनकी बेटी को अगर ये फेस करना पड़ रहा है, तो एक नॉर्मल लोगों को कितना ज्यादा फेस करना पड़ रहा होगा। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इसका रूट कॉज कहाँ से आ रहा है। वो तब से चला आ रहा है जब से अंग्रेजों ने हमें रूल करा कि उन्होंने इंफीरियर दिखाने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज आपके स्किन का कलर डार्क है तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो। वो चले गए, लेकिन जो वो मानसिकता हमारे दिमाग में डाल गए वो आज तक चला आ रहा है। आज तक हम लोग बिलीव करते हैं कि फेयर है तो सुंदर है, और अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है या वीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो आप सुंदर नहीं हो। वी हैव टू थ्रो दिस आउट। और इसी मिथ के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की अभी भी फेयरनेस क्रीम स्कीम जो मार्केट है वो फ्लरिश कर रही है। फेयरनेस क्रीम की जो मार्केट फ्लरिश कर रही है उसके बहुत सारे नुकसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो मरकरी के साथ फेयरनेस क्रीम बेची जा रही है जो थोड़ा सा एक बार आपको इंस्टेंटली एक फेयर फील दे देती है। देयर आर मेडिकल रिपोर्ट्स की जो मरकरी फेयरनेस क्रीम में थी, एक फैमिली ने उसको यूज करा और वो सीधा एब्जॉर्ब होके, स्किन से एब्जॉर्ब होके उन तीनों की, फैमिली के तीन मेंबर्स की किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, फेयरनेस क्रीम्स के अंदर स्टीरॉयड क्रीम्स डाल दी जाती हैं जिससे कि आप लगाओगे डेफिनेटली आप गोरे हो जाओगे, लेकिन उन क्रीम्स को छोड़ते ही स्किन का रंग और काला हो जाएगा, प्लस 10 और साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो फेयरनेस क्रीम्स के अंदर स्टीरॉइड डाल दिया जाता है या मरकरी डाल दिया जाता है, या फिर आजकल जो आपका लास्टली जो आ गया है ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस एंड टेबलेट्स। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग। ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस इतने फेमस इसलिए हो गए बिकॉज काजोल ने उसको लिया, ये फैल गया कि काजोल ने वो ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस लिया और वो गोरी हो गई। अगर काजोल ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस लेके गोरी हो सकती है तो सुहाना खान भी गोरी हो सकती है। तो फिर कोई भी, इनफैक्ट इंडिया के अंदर गोरे होने का इतना क्रेज है कि कोई भी मिडिल क्लास पर्सन जो भी ये ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस जो अराउंड 40,000 to 60,000 रुपीज के होते हैं इनको अफोर्ड करके गोरा हो जाए। बट क्योंकि ग्लूटाथियॉन इंजेक्शन से आप गोरे नहीं होंगे, इसलिए आप प्लीज अपना जो पैसा है ग्लूटाथियॉन पे मत खर्च कीजिए। देखिए मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मुझको इंडिया के इंटीरियर से कॉल्स आते हैं। बिहार से कॉल आया, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है बिकॉज उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो क्या हम दिल्ली आकर आपसे ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस करा लें ताकि वो गोरी हो जाए और उसकी शादी हो जाए। और मुझे उनको पूरा समझाना पड़ता है कि प्लीज ग्लूटाथियॉन से आप जो जेनेटिकली आपका कलर डिसाइड है उससे आप गोरे नहीं होंगे, तो प्लीज अपना पैसा ग्लूटाथियॉन में मत बर्बाद कीजिए। साइकोलॉजिकली अपने कलर को एक्सेप्ट कीजिए। इनफैक्ट जो ग्लोब में, इंटायर ग्लोब में तीन तरीके के शेड्स हैं, तो बहुत गोरे, एक ब्रिटिश इंडियन कॉम्प्लेक्शन मीडियम और एक बहुत डार्क। आई थिंक जो पूरे ग्लोब के अंदर वी आर द ब्लेस्ड वन कि हमारा सबसे परफेक्ट स्किन शेड है। बहुत ज्यादा जो गोरे शेड है उनमें देखो स्किन कैंसर इतने ज्यादा होते हैं बिकॉज स्किन जो है वो सन रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। इंडिया में आपने सुना है स्किन कैंसर? बिल्कुल नहीं सुना है, जबकि जो फेयर रेसेस हैं उनके अंदर स्किन कैंसर बहुत 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 कॉमन है। तो हमको जो मिला है, हमको एकदम मीडियम, हमारे अंदर एनफ मेलानिन है ताकि हम सन से भी बच सके, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इवन आई हैव अ टिपिकल ब्रिटिश इंडियन कॉम्प्लेक्शन एंड आई जस्ट लव इट। सो हमें एक्चुअली के अंदर ये मिथ जो है उसको छोड़कर अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो आई से इट्स अ इंजेक्शन फॉर द रिच और फॉर द वंस जो अफोर्ड कर सकते हैं। सी, आपने ग्लूटाथियॉन इंजेक्शंस लगाए, ये एक मास्टर ऑक्सीडेंट है। टेम्परेली आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी बढ़ जाएंगी, यस, थोड़ी सी स्किन में ब्राइटनेस एंड ग्लो आ जाएगी, बट एज सच आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं बढ़ रहा है। टैनिंग हट सकती है, थोड़ी सी डी टैनिंग होके थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड ग्लो आ सकती है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी टेम्पररी। इट्स लाइक आपने 8 इंजेक्शंस लिए 1 to 2 months में, उसके बाद हर मंथ आप इंजेक्शन लेते रहेंगे एक या दो, तभी वो मेंटेन रहेगा। सो आई से देयर इज ओके इफ यू वांट टू टेक इट, आप अफोर्ड कर सकते हो और आपका माइंड क्लियर है कि आपका शेड गोरा नहीं हो रहा, इट इज जस्ट दैट एनर्जी मिल रही है, थोड़ी ब्राइटनेस हो रही है, तो जो प्री ब्राइडल्स हैं वो आके लगवा सकती हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप आके लगवा सकते हो। लेकिन प्लीज वो लोग बिल्कुल ना लगाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो ये सोच के लगवा रहे हैं कि हम इससे डेफिनेटली कुछ शेड्स गोरे हो जाएंगे, आप कुछ शेड्स गोरे नहीं होने वाले हैं ग्लूटाथियॉन इंजेक्शन से। सो ये जो फेयरनेस का ट्रैप है, चाहे फेयरनेस क्रीम्स हैं
उसके अंदर मरकरी या फिर स्टीरॉइड डाला हुआ है, या फिर ग्लूटाथियोन का जो ट्रैप है जो बहुत एक्सपेंसिव है और जो आपको पेयर नहीं कर रहा है, या फिर अब एक लास्टली एक ट्रैप आ गया है कोरियन स्किन केयर फेशियल, कोरियन स्किन जो आपको सिर्फ सलोन में मिलेगा और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास नहीं मिलेगा। नाउ ऐसा क्यों है? कोरियंस जो फेशियल्स ये लोग बेच रहे हैं, ये आपको अपने सलोन बुलाते हैं, 5-10 मिनट के लिए कुछ कर देते हैं, दैट्स फाइन। जो आपको ये क्रीम्स देते हैं घर पे यूज करने के लिए, दे हैव स्टीरॉइड्स इन देम। आप उसको लगाओगे डेफिनेटली गोरे हो जाओगे, लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ोगे या कंटिन्यू यूज करते रहोगे स्टीरॉइड्स को, तो आपकी स्किन खराब होने लगेगी। सो प्लीज आप ये चीज नोटिस करना कि जो लोग भी कोरियन फेशियल करा रहे हैं वो सिर्फ अपने फेस पे वो क्रीम लगाते हैं, उनके फेस के कलर और बॉडी के नेक से आप कलर देखना, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉइड यूज की वजह से है, जिसमें लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। सो प्लीज फेयरनेस के नाम पे अलग अलग ट्रैप्स आते रहेंगे, पहले स्टीरॉइड का ट्रैप था, मरकरी का ट्रैप था, ग्लूटाथियोन का ट्रैप आया, अब कोरियन फेशियल्स का ट्रैप आया है। प्लीज 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 गोरे होने के चक्कर में मत पड़िए, अंदर से खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो ग्लो जो है ना वो डेफिनेटली आपके फेस पे नजर आएगा। एंड व्हीटिश इंडियन कॉम्प्लेक्शन आई फील इट्स द बेस्ट, सो डू एक्सेप्ट इट, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। फाइनली आई वुड जस्ट से, इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी एट माय इंस्टाग्राम अकाउंट dr.anvika और da_skinandhair, एंड आप मेरे खुद के फॉर्मुलेट करे हुए स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं बाय विजिटिंग dr.anvika.com। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग, टेक ओनली द राइट इंफॉर्मेशन एंड फॉलो द राइट स्टेप्स, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द फेक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। स्टे हैप्पी।